चलिए हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मेरे पहला रेसिपी है सरप्राइज एग। इसे बनाने के लिए एक चौड़े आकार का बर्तन ले लें, जिसमें आप दो उबले हुए आलू को डालेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे हाथ से मसल करके भी इसे आप सॉफ्ट बना सकती हैं, या आप इसे कद्दूकस भी कर सकती हैं। इसे हमें बिल्कुल ही, इसमें एक भी गुठलियां ना रहे, इस तरह से इसको मसलना है। और इसमें बस हल्का सा नमक देना है और इसमें कुछ भी आपको ऐड अलग से नहीं करना है। नमक आप थोड़ा हल्का देंगे क्योंकि इसके फिलिंग में भी नमक जाएगा। आलू आपका इस तरह से बनके तैयार हो गया। अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग की ओर। इसी बर्तन का ही यूज करेंगे। इसके लिए हमें लेना है पनीर 50 ग्राम आप ले लीजिए और इसे कद्दूकस कर लीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें काजू है और किशमिश है और हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ। इसमें हल्का सा नमक जाएगा। इसे पीला रंग देने के लिए हमने पहले से ही दूध में 8-10 दाने केसर के फुलाकर रखे हुए थे, उसे डालना है। हल्का सा मीठा स्वाद के लिए हम इसमें 4 दाना चीनी भी डालेंगे। और अब हम इन सारे चीज़ों को मिलाएंगे अच्छी तरह से। अगर आपको पीला रंग में अगर आप केसर नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर थोड़ा सा खाने वाला फूड कलर या एक चुटकी हल्दी का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इस सरप्राइज एग बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पनीर आलू दोनों में ही गुठलियाँ ना हो, नहीं तो इसे तलने के टाइम में ये फटने का या टूटने का चांस रहता है। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम आइए इसका अब हम अंडा तैयार करते हैं। अंडा तैयार करने के लिए हम थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा या बेसन हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका आलू हल्का सा अगर सट रहा हो तो उसको हम हटाने के लिए हल्का सा बेसन का इस्तेमाल या मैदे का कर सकते हैं। आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें और इसका छोटा सा, जैसे हम लोग रोटी में बनाते हैं भरने के लिए, उसी तरह का लोई बनाएंगे। और इस तरह से ये बीच में जाएगा और इसको हम लोग धीमे हाथ से दबा करके और इसे अच्छे से साट देंगे। और इसे हम थोड़ा अंडे के ही आकार का शेप देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के अंडे तैयार कर लें। अब हमने ये सारे अंडे तैयार कर लिए हैं और इसमें मैंने बेसन से हल्का कोट कर दिया है।
अब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ और उसके अंदर तेल डाल चुकी हूँ और इन सबों को हल्का मैं सैलो फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्के धीमे आंच में इसे फ्राई करना है। आप इसे पहले जल्दी जल्दी ना चलाएं, इसे टूटने का भी डर होगा। एक साइड जब लाल हो जाए तभी इसे दूसरे तरफ हम पलटेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, इसे गोल्डन ब्राउन तक ही तलेंगे, इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस बनी रहनी चाहिए। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे, इसके लिए उसी पैन का ही यूज़ करेंगे, इसमें तेल है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक बे लीफ्स डाल देते हैं और एक छोटा सा कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ, इसे हम हल्का ब्राउन होने तक चलाएंगे। आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकती हैं या बटर में भी हल्का ऐड करके बटर के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और 2 चम्मच के लगभग काजू का पेस्ट। और इसे हम थोड़ी देर तक अच्छे से मसालों के साथ इसे मिलाएंगे जब तक ये साइड से ये तेल ना छोड़ दे। एक का मसाला अब तैयार होने पर है तो इसको हम इधर छोड़ते हैं और इसके साथ हम सर्व करेंगे घी चावल। तो घी चावल बनाने के लिए हमने कुकर में तैयारी कर ली है, कुकर हमने चढ़ा दिया है और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ये घी हमारे घर का बना हुआ है, वैसे तो घी सभी कोई घर में ही बनाते हैं, अगर आपको जानना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकती हैं। ये हमने 2 चम्मच घी डाला, इसके बाद इसमें हम थोड़ा
इसके बाद थोड़ा इसमें हम खड़ा मसाला, गरम मसाला देंगे, जिसमें है 2 तेजपात है, थोड़ी सी जायफल है, 2 छोटी सी इलायची है, 3 लौंग है, और ये 1 टुकड़ा छोटा सा जावित्री का। जब ये चटकने लगे, इसके लिए आप कोई भी बासमती चावल यूज कर सकती हैं। इसको हमने 2 घंटे पहले धो करके और इसे अच्छे से फुला लिया था। अब हम इस चावल को इस कुकर के अंदर डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कूटी हुई गरम मसाला, हमें इस चावल का स्वाद हल्का मीठा रखना है, इसलिए चावल के प्रपोषण के हिसाब से हम इसमें 1 डब्बा चावल में 1.5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें करीबन हम 1/2 कप दूध डालेंगे। ये हमारा 1 डब्बा चावल है, तो इसमें तकरीबन हमारा 1.5 से 2 कप पानी जाएगा, 1/2 कप हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। आप देख सकती हैं चावल के 1/2 इंच तक ऊपर में पानी है, इससे ज़्यादा इसमें पानी ऐड अब नहीं होगा। और अब हम इसे कम से कम 7 से 8 मिनट इसमें हम स्टीम भरेंगे और उसके बाद हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा मीठा फ्लेवर के लिए चीनी, स्वाद अनुसार नमक, नमक आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके अंडे में भी अंदर बाहर नमक पड़ा हुआ है, इसे आप एक बार अच्छी तरह से मिला लें। और अब हम इसे, ग्रेवी आपकी मर्जी पर है, आप थोड़े पतला भी खा सकती हैं, थोड़ा गाढ़ा भी खा सकती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको हल्का पतला ग्रेवी ही चलेगा, थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए। ग्रेवी अब पूरी तरह से तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमने ये अंडे अपने बनाए थे वो हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। ये ध्यान रहे अंडे हमारे बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक हैं, इसलिए आप इन्हें हल्के हाथों से ही चलाइएगा और बस इसे 1 उबाल आने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए और गरम गरम घी चावल के साथ इसे सर्व कीजिए। देखिए कितने अच्छे लंबे खिले खिले चावल बने हैं।
बनकर तैयार हो गई। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमें बताएं ये कैसा बना है।